धर्म के पुजारी तुझको अधर्मों ने घेरा ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटाले अंधेरा ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना मिट्टी में मिलेगा ये मिट्टी का खिलौना संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना मिट्टी में मिलेगा मिट्टी का खिलौना छोड़ कर महल होगा जंगल पे ढेरा छोड़ कर महल होगा जंगल पे डेरा ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटाले अंधेरा मिटाले अंधेरा ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा कामी और क्रोधी मन ने मोह को फसाया लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबोया कामी और क्रोधी मन ने मोह को फसाया लोभ ने हमेशा तेरे नाव को डुबोया जीना और मरना है तो जोगी वाला फेरा ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा गोरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा देख ये जगत का कैसा खेल है निराला श्री चंद कह गए जो था जाने वाला जागो 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 अब तो हो गया सवेरा जागो 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 अब तो हो गया सवेरा ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अँधेरा ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा बोलिए सदगुरु देव की जय कार्यक्रम के शुरुआत में आपके बीच एक छोटा सा पद प्रस्तुत किया अब हम विचारों की ओर चलें आज इस सत्र में प्रथम प्रवक्ता के लिए हमारे संस्थान के ब्रह्मचारी श्री जयचंद अरे जयेंद्र जी से आग्रह करता हूँ आप, आप भी कुछ मिनट हम लोगों के बीच अपना विचार रखने का कष्ट करें श्री जयेंद्र जी बोलिए देव की साहेब जी का आदेश हुआ है आदेश पालना है तू कुछ देर कुछ कहने का प्रयास करता हूँ ऐसे पहले आप सबसे एक निवेदन है हैं। हैं। कि जिनके पास, पास भी मोबाइल हो वो सब अपना मोबाइल बंद करके रखे और जो, जो बाहर आश्रम, आश्रम में घूम रहे हैं यदि वो सत्संग हाल में आए तो अपना मोबाइल बंद करके आए और आप सब लोग कुछ दूरी बना के बैठे सट के कोई ना बैठे परम पूज्य गुरुदेव जी वंदनीय संत समाज सम्मानीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, इस धरती तल पर तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं आप सोचते होंगे कि मनुष्य तो एक ही प्रकार के होते हैं जैसे हम देख रहे हैं लेकिन नहीं मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं एक गुलाब के समान होते हैं दूसरा आम के समान होते हैं जो तीसरा होते हैं वो कटहल के समान होते हैं ये सोचेंगे कि साहब क्या गिना रहे हैं लेकिन सज्जनों ये हकीकत है एक व्यक्ति वह होते हैं पहला व्यक्ति जो गुलाब के समान होते हैं गुलाब में सिर्फ फूल होता है फल नहीं होता है आप गुलाब के पेड़ देखे होंगे तो क्या उसमें से फल भी मिलता है नहीं सिर्फ फूल मिलता है एक मनुष्य वह होते हैं कि सिर्फ कहते हैं करते कुछ भी नहीं है संसार में ऐसे बहुत मनुष्य आपको मिलेंगे कि सिर्फ कहने वाले होंगे लेकिन करते कुछ भी नहीं है दूसरे व्यक्ति वह होते हैं जो आम के समान होते हैं आम में फूल भी होता है फल भी होता है एक दूसरा व्यक्ति वह होते हैं कि जो कहते हैं और करते भी है वो आम के समान होते हैं लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है वो कटहल के समान होते हैं क्या आप लोग कटहल में फूल देखे हैं कभी कटहल का फूल होता है नहीं होता है सिर्फ फल होता है कटहल में फूल नहीं होता है सिर्फ फल होता है तीसरा व्यक्ति वह होते हैं कि कहते नहीं है करते हैं अब हम लोग सोचे कि हम लोग गुलाब के समान हैं, कि आम के समान है कि कटहल के समान है सदगुरु कबीर कहते हैं कहानता तो बहुत मिला गहनता मिला न कोय सो कहता बही जान दे जो न गहनता हो हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल इसीलिए नहीं हो पाते हैं कि लक्ष्य हमारा कुछ और होता है हमारा कर्म कुछ और होता है दिशा सही नहीं है जब दिशा सही नहीं हो पाएगी तो दशा सही कैसे हो पाएगी इसलिए हम सब लोग कटहल के समान बने कहे कम करे ज्यादा आदमी अपने जीवन में हर क्षेत्र में हार मान लेते हैं कहते कि साहब सफलता नहीं मिल पाती है सफलता नहीं मिल पाती इसके पीछे कुछ ओजा है वह है कि हम जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं उस काम को पूरा करने का शौक नहीं रख पाते हैं आधे मन से करते हैं या बीच, या बीच में छोड़ देते हैं, हैं। इसलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं, तो पाते हैं। एक अनाथ बच्चा, बच्चा है।, है एक एक, एक दाना के लिए भटक, भटक रहा है वो करोड़पति करोड़ कैसे पति बन, बन, जाता बन जाता है, है। आज पूरे हिंदुस्तान में जो जियो सिम का जो आविष्कार किया है मुकेश अंबानी उसके पिताजी के नाम था धीरू अंबानी लेकिन कहा जाता है कि वह 20 साल के उम्र में सौ का नोट नहीं देखे थे जब उनकी उम्र 20 साल की थी तो सौ का नोट क्या होता है वो कभी देखे नहीं थे लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गए जिस किसी भी काम को हम अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा करने का शौक हो कि इस काम को हम पूरा करके ही रहेंगे हमारी कमी यही होती है कि हम उस काम को शौक पूर्वक नहीं कर पाते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं गुलाब के फूल के समान और अंत में हाथ मलते मलते पछताते पछताते कहते पस्ताते, हैं कि जीवन में कुछ नहीं मिल पाया इसमें कहानी याद आद आती है बीरबल का अकबर का, का दरबार लगा हुआ था उसमें एक दिन अकबर ने अपने साथियों से पूछ दिया कि मेरे हाथ थैली में बाल क्यों नहीं है मेरे, मेरे हथेली हाँ हाँ में बाल क्यों आप नहीं है तो बीरबल कहा कि हुजूर आपके हाथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप दान देते हैं दान देते देते आपके हाथेली के बाल झड़ गया है अकबर ने कहा कि बात तो सही है कि मैं दान देता हूं इसलिए हमारे हाथेली के बाल झड़ गया है लेकिन तुम्हारी भी तो हाथेली में बाल नहीं है कि हुजूर हम आपके, आपके दान, दान लेते लेते, लेते हमारे हथेली के बाल झड़ गया कहा कि चलो ये बात तो ठीक है हमारे हथेली के बाल दान देते देते झड़ गया और तुम्हारे हथेली के बाल दान लेते लेते झड़ गया लेकिन ये लोग जो बैठे हैं इनकी भी तो हथेली में बाल नहीं है कहा कि हुजूर आपके हथेली के बाल दान देते देते झड़ गया आ, मेरे हथेली के बाल दान लेते लेते झड़ गया ये जो लोग बैठे हैं ये हाथ मलते मलते कि हाय मुझे नहीं मिला हाय मुझे नहीं मिला इसलिए ये को हथेली के बाल भी झड़ गया ऐसा ही हम लोगों का समय जो होता है ये जो जिंदगी जो मिली हुई है ये हाथ मलते मलते पछताते पछताते शिकायत करते करते ईर्ष्या करते करते जिंदगी बीत जाती है एक दिन हम लोग बच्चे थे फिर जवान हो गए फिर बूढ़े हो गए क्या पता चला कि बचपन ना कैसे खत्म हो गया जवानी चली गई बुढ़ापा आ गया ऐसा ही पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं यदि जीवन में कुछ करना है तो कटहल के समान बनना होगा कहे कम करे ज्यादा कहानता तो बहुते मिला गहानता मिला न कोई ये संसार में जहां भी देखते हैं सब कहने ही वाले हैं ए भारत में एक सस्ता सबसे सरल एक उपाय क्या है दूसरों को सलाह देना बिना पूछे हम सलाह देते रहते हैं वह सलाह हमारे जीवन में नहीं उतर पाता है अच्छा यह होगा कि हम दूसरों को समझाने से पहले अपने आप को समझ ले बुरा है बुरा जग में बताना किसी का हम अपने जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं अपने जीवन को दुख को दूर नहीं कर पा रहे हैं हम खुद उलझे हुए हैं खुद अशांत है दूसरे को शांति का रास्ता कैसे बता सकते हैं ये शांति तब मिल पाएगी हमारे जीवन में जब हम सिर्फ कहेंगे करेंगे कहेंगे कम यदि अपने जीवन में सुख चाहते हैं शांति चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो अपने समय का सदुपयोग करें। टाइम इज मनी और टाइम इज लाइफ हम अपने समय को नहीं समझ पाएंगे तो जीवन को क्या समझ पाएंगे हम समय से प्रेम नहीं कर पाएंगे जीवन से क्या प्रेम कर पाएंगे समय, समय को बर्बाद करना अर्थात अपने जीवन को बर्बाद करना जिन्होंने समय को समझ लिया उन्होंने अपने, अपने जीवन को समझ लिया।, लिया एक भी क्षण एक भी पल, पल हमारा दुष्कर्म में दुर्व्यवहार में न जाने पाए एक एक श्वास को निगरानी रखे हमारा श्वास कहाँ जा रहा है कहाँ खत्म हो रहा है ये श्वास बहुत बेसकीमती है अंतिम समय में जिस दिन भी हमारा अंतिम समय होगा उस दिन इस श्वास की कीमत समझ में आएगी स्वामी शंकराचार्य विवेक चुरामणि में एक जगह बताते हैं, मनुष्य की सांस की कीमत तब समझ में आती है जब उनका अंतिम दिन होता है जब लगेगा कि शरीर नहीं रह पाएगा मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा उस समय हम यदि की चुका दे और एक श्वास और मिल जाए एक मिनट और मिल जाए एक घंटा और मिल जाए, जाए, जाए असंभव है इस दुनिया की जो कीमत है ऐसी भी हम एक मिनट नहीं खरीद सकते हैं तो ये हमारा श्वास जो है कितना विस्कृमती है कितना मूल्यवान है अपने समय को समझे हमारा जो समय है संतों की सेवा सत्संग और सज्जनों का संग यदि इसमें हमारा समय लगता है तो हमारा जीवन सार्थक है समय सार्थक है नहीं तो फिर गलत लोगों का संग में हमारा समय जा रहा है गलत कर्मों में समय जा रहा है तो फिर अंत में तो वैसा ही होगा ना हाथ मालना होगा कि हाय मुझे कुछ नहीं मिला मुझे कुछ नहीं मिला अपने समय को समझे समय को बर्बाद न करे समय को बर्बाद करना जिंदगी को बर्बाद करना है तो मैं कह रहा था कि संसार में तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं एक गुलाब के समान जो सिर्फ कहते, कहते हैं करते कुछ भी, कुछ भी नहीं है सर्वश्रेष्ठ है लेकिन ओसे भी सर्वश्रेष्ठ वह है जो कटहल के समान है सिर्फ करके दिखा देते हैं कहने के चक्कर में नहीं रहते हैं हम सब अपना नंबर उस कटहल के समान बनाए कहे कम करके ज्यादा दिखाए कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता बोलिए कबीर बहुत बहुत धन्यवाद अपने समय पे बहुत सुंदर विचार हम लोग के बीच रखा आगे मैं निवेदन करता हूँ हमारे संस्थान के मंत्री साहब संत श्री गुरुवेन साहब से आप भी आए और कुछ देर हम लोगों के बीच अपना विचार रखें बोले देव की जय पूजनी समाज सत्संग सरिता में निम्न करने वाले सभी सम्मानित श्रोताओं श्रद्धा मूर्ति देवियों तैतालीसवें वार्षिक अधिवेशन का दूसरे दिन की दूसरी सभा हा, हा, हा। चल रही है संतों के विचार श्रवण कर रहे थे तैतालीस तो साल, साल के दरमियान ये पहली ऐसी सभा है जहां इस रूप में आयोजन करना पड़ा है कल एक सम्माननीय प्रवक्ता आए थे उन्होंने ये जिक्र किया था कि सदगुरु कबीर ने आज से 600 साल पहले आज का जो कोरोना हम देख रहे हैं कोरोना से इतनी दहशत है इतना भय है इससे भयंकर कोरोना उस समय था अभी भी है वो कौन था अंधविश्वास पाखंड जिसके बारे में सदुल कबीर ने बगावत की थी इंकलाब किया था सच है आज के कोरोना से ज्यादा खतरनाक वो कोरोना रहा है और इस कोरोना ने हमें जीना भी सिखा दिया है कि कैसे रहना है सब दिन एक समाना बदलता रहता है इसलिए सदूर कबीर ने कहा है जारो जग का नेहरा मन बौरा हो जामे शोक संताप समझ मन बौरा हो तन धन सी क्या गर्भ सी मन बौरा हो भस्म किन्न जा के साथ समझ मन बौरा हो सदुर कबीर कहते हैं जारो जग का नेहरा मन बहुरा हो ऐ मन पागल संसार के प्रति तुम्हारा जो लगाव है जो नेह है जो मोह है जो आसक्ति है उसको जला दो सारे दुख का कारण लगाव ही तो होता है जहां जितना लगा होता है जहां जितनी अपेक्षाएं होती है उस अपेक्षा की जो उपेक्षा होने लगती है तब तकलीफ होती, होती है दर्द होता है परेशानी होती है इसलिए साहब कहते हैं नाश्त मूलम कुतो शाखा जब उसको जला दोगे भस्म कर दोगे खत्म कर दोगे निष्णामबूत कर दोगे तो परेशानी किस चीज की रहेगी समाज में जिन लोगों के साथ रहना होता है उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है आवश्यक है लेकिन मुंह करके लगाव करके यदि आदमी चलना चाहेगा तो निश्चित है कहीं ना कहीं उपेक्षाएं होंगी और दर्द होगा गोस्वामी जी ने कहा है अनविचार रमणी सदा संसार भयंकर भारी अनविचार रमणी सदा विचार नहीं करने की वजह से विवेक नहीं करने की वजह से संसार पर रमनी लगता है बड़ा सुंदर लगता है बड़ा आकर्षक लगता है और परिणाम क्या आता है? गत्वा। दुख चिंता तनाव टेंशन अवसाद सदगुरु विशाल देव कहते हैं पंच विषय जग राग तज अपन परार विचार शिथिल करे अध्यास को देह मोह को जा से सभी संतों ने हमें सीख दी है प्रेरणा दी है तो सदगुरु विशाल देव कहते हैं पंच विषय जग राग पांचों विषयों के प्रति जो जराग है जो चाहनाएं हैं उसका त्याग करो क्योंकि राग, राग ऐसा है। आग है।, है आग में जो चीज पड़ती है ना वो जल के राख हो जाती जार है ऐसे ही इन, इन विषयों के, प्रति, के प्रति, प्रति जो जितना भोगी होगा देखिए व्यवहार करना अलग चीज है लेकिन उसके प्रति तादाद में जुड़ना आसक्त हो जाना बिल्कुल अलग चीज होता है उसके बिना रह ही नहीं जाना तंबाकू खाने वाले बीड़ी पीने वाले शराब पीने वाले या और भी चीजों की जब उसके प्रति आसक्ति मैंने कहा ना आसक्ति कभी कभी, कभी आप लोगों के बीच में कहा करता हूं आशक्ति स्वयं अपनी परिभाषा देती है थोड़ा उसमें जब दिमाग लगाते हैं तो आसक्ति क्या कहती है आसक्ति वो कहती है मैं आ तो सकती हूँ स्टार्टिंग जब आदमी जब बीड़ी पीना शुरू करता है शराब पीना शुरू करता है गुटखा खाना शुरू करता है चाय पीना, पीना शुरू करता है तब उसमें बड़ी अच्छी लगती है आ सकती आ जाती है और आते आते जब अपनी जगह बना लेती है अपना घर बना लेती है तब जा नहीं सकती वो जा नहीं सकती मरते दम, दम तक।, तक।, तक कितने लोग ऐसे लोग होते हैं कहते महाराज आप हमको भोजन, भोजन मत दीजिए लेकिन इस चीज को छोड़ने के बारे में मत कहिए। मत कहिए। तो हमारी जान है।, जान है ये ना हो, ना हो तो फिर जीना ही मुश्किल हो जाएगा तो आते समय तो परेशानी नहीं हुई बड़ा अच्छा लगा लेकिन जाते समय बड़ा मुश्किल पड़ता है छूटता नहीं हो कई तो कहते हैं कि नेहरा मन बौरा जला दो कभी कभी आप लोग देखेंगे सांप आता है तो उसको लोग मार देते हैं और मारते ही नहीं है उसे लोगों में ये मान्यता है कि यदि हम उसको मार के छोड़ देंगे और कहीं जी गया तो उसकी आंखों में ऐसा सीसीटीवी लगी होती है ऐसा कैमरा लगा होता है आप चाहे भूल जाए कहते लेकिन वो भूलता नहीं है वो बदला ले लेता है कहते है। तो मार करके उसको लोग जला देते हैं खत्म कर देते हैं ताकि पहचाने ना सके तो ऐसे ये मोह राग सदरु कहते हैं, इसको जला दो खत्म कर दो अब जब विचार करेंगे, करेंगे विवेक करेंगे तभी तो होगा विचार नहीं करता आदमी विवेक नहीं करता नहीं है इसीलिए जिंदगी बीत जाती है, है और, और परिणाम नहीं आता जो आना चाहिए कहा जाता है कि बिना विचारे कैसे होता है आदमी को पछताना पड़ता है एक बार नेताजी और, और उसमें एक अध्यापक भी था एक विद्यार्थी भी था और एक पायलट बहुत छोटा सा समझ लीजिए वो हेलीकॉप्टर जैसा रहा तो कहीं सफर कर रहे थे तो सफर के दौरान उस हेलीकॉप्टर के इंजन में कुछ खराबी आ गई पायलट ने, ने, ने सूचना दी, दी संकेत दी। किया कि भाई सब लोग सावधान हो जाएं, हो जाएं सबके, सबके पा, पा। सीट के नीचे, नीचे पैराशूट रखा हुआ है चार ही थे उसमें अब कहा देखिए चार हैं हम लोग लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पास तीन ही पैराशूट है एक को तो मरना ही होगा चूंकि मैं पायलट हूं पाइलेट सरकार का आदमी हूं मैं इसलिए मेरा बचना बहुत जरूरी है पायलट ने पैराशूट लिया, लिया, लिया और कूद गया, खुद गया। उसमें, उसमें एक नेता, नेता बैठा था कहा भाई देखो।, देखो मैं भी सरकार का पब्लिक का आदमी हूं और, और सामाजिक काम मुझे काम करना है, है तो मेरा भी बचना जरूरी भी है तो मैं भी, भी कूद जाता हूं जा। वो भी कूद गया।, गया अब क्या लेके ले कूदा ये बात की बात है कूद गया वो अब मास्टर और विद्यार्थी दो बचे, तो मास्टर और विद्यार्थी विद्यार्थी ने कहा सर आप मेरे गुरु हैं आप मेरे टीचर है। आप मेरे टीचर हैं, हैं। आप शिक्षक लीजिए, जाइए। नहीं तुम विद्यार्थी हो तुम मैंने तो बहुत सारा जीवन देख लिया जी लिया मुझे अब जरूरत नहीं है मैं मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं तुम्हें बहुत कुछ करना है अभी देश के लिए पैरा सूट लो और कूद जाओ कहा सर चिंता मत करिए हमारे पास दो पैरासूट है कहा पायलट ने तो ने कहा तीन ही पैरासूट है।, है एक तो खुद लेके चला गया कूद गया, गया।, गया। और एक नेताजी लेके चला गया बचा तो एक ही ना कहा नहीं सर दो बचा है कहा कैसे कहा पैरासूट टेक लेके पायलट चला गया बात तो सही है लेकिन, लेकिन आपको आप पता है वो तो जो नेताजी था ना वो जल्दीबाजी में था वो विचार नहीं किया विवेक नहीं किया सोचा नहीं समझा नहीं वो सूट की जगह अपनी पत्नी का सूट लेके कूद गया समझ गए सूट की जगह अपनी पत्नी का सूट लेके कूद गया तो मरेगा कि बचेगा वो ये उसकी कहानी नहीं है कमोबेश कहानी है जिंदगी कैसे जीना है हड़बड़ी और हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है इसलिए आज ये सत्संग की आवश्यकता होती है स्वाध्याय की आवश्यकता होती, होती है साधना की आवश्यकता होती है हमें अपने लाइफ को कैसे बनाना कैसे जीना है छोटी सी भूल आदमी को क्या से क्या कर देती है सदुर कहते हैं जारो जक्का नेहरा जला दो यदि जी जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो आज बसेरा नीरे हो रमैया राम काल बसेरा बड़े दूर हो रमैया राम सदूर कहते हैं आज हम सब को ये चांस मिला हुआ है मौका मिला हुआ है यदि मौका निकल गया जीवन नौका को डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा, पाएगा। पूर्व सत्र में साहब जी कह रहे थे गुरु भी केवल संकेत करते, करते हैं, हैं। गाइड कर सकते हैं, हैं। चलना, चलना तो हमको पड़ेगा ना खुद को पड़ेगा ना इसलिए अभी से क्योंकि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती किसी ने कहा है कि रात सुबह का इंतजार नहीं करती रात सुबह का इंतजार नहीं करती खुशबू किसी मौसम का इंतजार नहीं करती जिंदगी में जो मिला है उसका आनंद उठा लो मेरे दोस्तों जिंदगी कभी किसी वक्त का इंतजार नहीं करती जिंदगी किसी वक्त का इंतजार नहीं करती तो आज हमें यह मौका मिला ये समय मिला और अभी से पूरा जीवन हमें निर्मल कैसे बनाना है कुछ लोग कहते हैं छोटी छोटी जो कमियां हैं छोटे छोटे दोष हैं, कहते इतना तो चलता है इतना तो चलता है और इतना कितना खलता है पता दीवार में छोटी सी दरार हो जाती है ना उस दरार को यदि हमने ठीक नहीं किया तो दरार इकरार कर लेती है कि दीवार को मुझे तोड़नी है बड़े बड़े बांधों में जो सुराख होती यदि उसको समय रहते ठीक नहीं किया गया तो दरार बांध को तोड़ देती है इसलिए छोटे छोटे दोस्त को हमें नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि छोटा सा माल बिच्छू निकल गया छोटा बच्चा आ गया तो उसको आप छोड़ देंगे नाम लेते सिहरन पैदा हो जाती कि काट न ले कि डस न ले तो छोटा सा भी दोस्त आदमी को बदहोश करने के लिए काफी होता है तो मैं कह रहा था पूरा आमूल चूल परिवर्तन कैसे हो कहा जाता है एक बार एक जगह आजकल मेहमानी का जमाना है ना जब आप लोग खाली हो जाते हैं तो मेहमानी करने जाते हैं तो ऐसे ही कुछ लोग मेहमानी करने के लिए गए अब गए तो खातिरदारी होती है स्वागत होता है सत्कार होता है तो पहले दिन तो बड़ी अच्छी तो बड़ी खातिदारी हुई बड़ा अच्छा स्वागत हुआ खूब बढ़िया खीर पूरी और पकौड़ी पता नहीं क्या क्या सब बना खिलाए आगंतु ने सोचा बड़ा अच्छा यहाँ तो खातिदारी हुई ये बिना मेहनत किए बिना कमाए एक दिन दो दिन तीन, तीन दिन चार दिन बीता अब ग्रीपति सोचे कि अब तो चाहेंगे लेकिन जाने का नाम नहीं नाम क्योंकि बैठा बैठा जो मुफ्त में मिल रहा है काहे को जाए तो ग्रीपति और उनकी देवी ने सोचा कि थोड़ा सा कम करना चाहिए तो कम कर दिया पूरी सब्जी जगह पर दाल भात रोटी सब्जी नहीं बनाए एक ने सोचा कहा भाई चलो अब जाना यहां रहना ठीक नहीं है संकेत मिल गया सिग्नल मिल गया है तो कहा तुम्हें जाना हो तो जाओ भाई अरे बिना मेहनत किए दाल भात रोटी मिल रही कम है आज के जमाना में तीन रह गए एक चला गया फिर एक दो दिन के बाद गरीब पति ने कहा नहीं फिर कम कर दो केवल रोटी सब्जी बनाओ दाल भात ना बनाओ रोटी सब्जी बनाए बना तो दूसरे तीसरे ने कहा भाई चलो अब चलना चाहिए क्या नहीं, नहीं तुम जाओ दाल भात रोटी सब्जी कम थोड़ी ना है फिर एक दो दिन बीता तो गृहपति ने कहा कि भाई अब चलना चाहिए हाँ कम करना चाहिए क्या आज रोटी रोटिए बना दो नमक रोटी खा लेंगे कहा ठीक है रोटी नमक बनाए तो दूसरे तो ने कहा आप चलना चाहिए कहे नहीं रोटी नमक कम थोड़े है अरे बैठे बैठे मिल रहा है मुफ्त में तुम्हें जाना हो तो जाओ चला गया एक बज गया अब गृहपति ने सोचा बड़ा निगर आदमी है ये इतना होने के बावजूद भी नहीं जा रहा है क्या करें तो दोनों गृहपति और गृह ने सलाह किया मीटिंग किया, किया, किया। पति ने कहा देख, देख, देख एक उपाय है, है क्या? क्या कि मैं तो रात में दीवार को, को पीटूंगा और, और तुम तो रोना का ठीक है मीटिंग हो गई बात पक्की हो गई अब रात में कहा जब इस प्रकार करेंगे तो वो सोचेगा झगड़ा हो रहा लड़ाई हो रही है कौन यहाँ रहे चला जाना चाहिए चला जाएगा अब रात भी अब दीवार को पीटने लगे, लगे, लगे और वो वो आदमी उनकी देवी, देवी रोने लगी, लगी। क्योंकि बगल, बगल कमरा बैठा बैठा वो आदमी भी सुन रहा था, था। क्या, क्या, क्या का प्लान चल रहा है तो जैसे, तो जैसे वो पीटा और वो रोने लगे तो उनके देखते ही देवी कमरा से निकला सामान लेकर के और पीछे दरवाजा से आकर के फिर बैठ गया घुस गया अब इन लोगों ने देखा के तो चला गया अब बड़े खुश हो गए वाह वाह कितना हमारा आ, जो फार्मूला है हमारी युक्ति ने बढ़िया काम किया खुश हो गए एकदम अब कहने लगे हमने तुम्हें फुरफुर थोड़े पीटा है तो कहती है, हम फुरफुर थोड़े रोए हैं है, है, फुरफुर नहीं पीटा फुरफुर नहीं रोए तो वो भी पीछे से कहता है हम फुरफुर थोड़े गए हैं हम फुरफुर थोड़े गए हम भी तो बैठे ही हैं बैठे तो फुरफुर यानी फुर सही सही जब आप साधना नहीं करेंगे त्याग नहीं करेंगे ध्यान नहीं देंगे चेंजेज नहीं करेंगे बदलाव नहीं करेंगे तो जीवन में परिवर्तन नहीं होगा ये सत्संग का आयोजन जो किया जाता है वो जीवन परिवर्तन के लिए होता है तो सदगुरु कबीर ने जो कहा कि जारो जक्का नेहरा मन बौरा हो जामे सुख संताप समझ मन बौरा इसमें शोक और संताप ही है यदि इसमें बदलाव नहीं किया गया तो आज मौका है समय है इस यदि वेद सत्य मस्ती ना चेदि मस्ती विनष्ट किसी ने कहा है यदि आज चेत गया सावधान हो गया तो कल्याण नहीं तो महती विनष्ट मेरा समय मैंने काफी लिया और इन्हीं शब्दों के, के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ बोलिए देव की जय। अभी हम लोग संस्थान के मंत्री संत श्री गुरुवेन साहब के विचारों से हम लोग लाभान्वित हो रहे थे आइए हम परम श्रद्धे पूज्य श्री अशोक साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करें संत श्री अशोक वंदनीय संत समाज सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं देवियों सदगुर कबीर के मौलिक, मौलिक ग्रंथ बीजक की, की अंतिम साखी है, है। साखी आखी ज्ञान की समुझ देख मन मह बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत न साखी आखी ज्ञान की साखी से अर्थ केवल सदगुरु कबीर की दोहे ही नहीं है उनका संपूर्ण वांग में उनकी संपूर्ण वाणी सार रूप में साखी में उन्होंने अधिक कहा है थोड़े में कह दिया कहा तो बहुत है सदगुरु कबीर की साखियां ज्ञान की, की, की आंखों को खोलती है, है। साहब कहते हैं साखी आंखी ज्ञान की समझ देख मन उसको समझना पड़ेगा और मन में देखना है बिना साखी के संसार का झगड़ा मिट नहीं सकता है यह संसार का झगड़ा क्या है पृथ्वी जल अग्नि, वायु, चांद सूर्य सितारे तो आपस में नहीं लड़ते हैं प्राणी ही लड़ते हैं झगड़ते हैं साहब कहते हैं साखी आंखी की छोटे छोटे बच्चे झगड़ा कर लेते हैं पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा आगे बढ़ जाता पर पर है मार काट हो, हो जाती है हिंसा हो जाती है झगड़ा झगड़े की, की जड़ थोड़ी होती, होती है होती लेकिन उसका परिणाम विशाल होता है कहीं कोई झगड़ा होने लगता है कोई गाली गलौज होने लगती है रास्ते में सड़क में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और झगड़ा तेज हो गया और भीड़ इकट्ठी हो जाती है धक्का मुक्की मुक्का मुक्की होने लगती और भीड़ इकट्ठी हो जाती है और अगर और किसी, किसी ने किसी को, किसी को ऐसा मार दिया खून हो गया, गया हत्या हो गई तो, तो वहां कोई रुकता कोई नहीं सब भाग, सब जाते।, तो तो भाग जाते अगर, अगर कोई, कोई रुकता है तो उसको साक्षी साक्षी गवाह देना पड़ेगा कि हाँ तुम थे वो भी फंसे सब रस निकल गया वहां रुकने की क्या जरूरत यही आदमी देखना चाहता है तो संसार का झगड़ा केवल एक दो व्यक्तियों में नहीं होता है इस झगड़े का जब विशाल रूप खड़ा हो जाता है तो सारे संसार में युद्ध होते हैं लड़ाइया होती हैं झगड़े होते हैं पहला विश्व युद्ध हुआ कहते साढ़े तीन करोड़ लोग मारे गए दूसरा विश्व युद्ध हुआ सात करोड़ लोग मारे गए लगभग किसी ने वैज्ञानिक आइंस्टीन से पूछा कि पहले में इतने लोग करोड़ लोग मारे गए दूसरे में इतने तीसरे के बारे में आपका क्या विचार है उसने कहा तीसरे के बारे में तो नहीं चौथे के बारे में बता सकता हूं कह ये कैसे कहे कि तीसरे विश्व ये तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसमें कोई भी नहीं बचेगा चौथा विश्व युद्ध कभी होगा ही नहीं इतना इंतजाम हमने कर लिया है एक साथ बम के गोले इतने बन चुके हैं और ये जो वो, वायरस आजकल फैला हुआ है उसमें उसकी भी जरूरत नहीं गणेश जी के हाथ में लड्डू होता आप लोगों ने देखा होगा कोई कार्य शुरू किया जाता है श्री गणेश अब कहीं झगड़ा होता है तो लड्डू की जगह बम का गोला फेंक दिया जाता है लड्डू भी खाया जाता है बम का गोला ऐसा सबको खा लेता है युद, युद्ध युद्ध में आदमी को बड़ा है लड़ाई झगड़े में बड़ा रस संसार का झगड़ा केवल बाहरी भोग पदार्थों के लिए ही नहीं धन राज भोग के लिए तो झगड़े होते ही है लोग कहते झगड़े के जर तीन जर जोरू जमीन औरत दौलत औलाद इतना ही नहीं धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं ईश्वर के नाम पर झगड़े होते हैं कबीर साहब ने कहा झगड़ा एक बड़ो राजा राम जो निर्वाण सो निर्वाण ईश्वर का झगड़ा है ईश्वर के बारे में अनेक विचार हैं। ईश्वर लोग ईश्वरवादी कहते हैं कि जब एक छोटे से घड़े को ब... बिना बनाया नहीं बनता छोटा सा घड़ा तो इतनी बड़ी दुनिया को बनाने वाला कोई जरूर होगा जब इतनी बड़ी दुनिया को कोई बनाएगा तो ईश्वर तो ही बनाएगा कोई ऐसा ऐसी शक्ति चाहिए जो इस, उसका निर्माण करती कुम्हार दिखाई देता है मिट्टी दिखाई देती है घड़ा दिखाई देता है और उसके बनाने वाले ईश्वर का कहीं पता नहीं चलता निराकार से कैसे हो सकता है ईश्वर के नाम पर झगड़ा है धर्म के नाम पर झगड़ा है धर्म के नाम मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे ये इसलिए बनाए गए थे कि हम वहां बैठ करके चिंतन करें सदाचार की बात सीखे समाज सुधार की बात सीखे जाने आत्मकल्याण करें लोक कल्याण करें लो करे, लेकिन उसके नाम से भी झगड़े होते मस्जिद में स्वर घुस गया मुसलमान दौड़ पड़े हिंदुओं के मोहल्ले में सवेरे सवेरे घुस गया था और एक मोहल्ले में घुस करके एक आदमी सो रहा था ने कहा कौन है तू क्या हिंदू के तो मुसलमान तो क्योंकि उस मोहल्ले में हिंदू मुसलमान दोनों रहते थे कहा भाई मुझको सोने दो हिंदू मैं हिंदू मुसलमान इससे तुम्हें क्या मतलब है कहे मस्जिद में स्वर घुस गया कहे मस्जिद में घुस घुस गया तुम तुम मेरे कैसे कैसे आ गए गए वो तो सुवर घुस गया विदाउट टिकट तुम भी तो विदाउट टिकट आ गए हो झगड़ा शुरू हो गया हम क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे हमसे तो अच्छे वे परिंदे हैं जो कभी मंद... मंदिर, मंदिर पे जा बैठे, बैठे, बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे, तो बैठे। धर्म के नाम पर ईश्वर के नाम पर मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े होते हैं कहते नारी का सम्मान था प्राचीन काल में बहुत गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया अंत में प्रश्न करती गई करती गई और जब यागव निरुत्तर हो गए तो उन्होंने कहा गार्गी तू अति प्रश्न मत कर ऐसा ना हो तेरा सर धड़ से अलग हो जाए तेरा सर गिर जाए ये झगड़े बहुत पुराने हैं बड़े धार्मिक झगड़े हैं बड़ी उनको शिष्ट धार्मिकों को बड़ा शिष्ट माना जाता है विद्वान माना जाता है ज्ञानी माना जाता है धर्म से दुनिया टिकी है लेकिन धार्मिकों से नहीं टिकी है धर्म की परिभाषा तो आप कितनी बार सुनते हैं धर्म वो नहीं जो झगड़ा सिखाता है धर्म जो झगड़े को रोकता है उसे धर्म कहते हैं हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी अनेक नाम रख लेते हैं जातियां बढ़ जाती हैं, जात के नाम पर झगड़े होते न कोई हिंदू कोई ना कोई मुस्लिम सर, सिख सरदार है चीर कर देखा नसों में एक खूखी धार है कबीर साहब ने कहा कारी पीरी दूहो गई ताकर दूध देव बलि काली हो पीली हो सफेद हो सभी गायों का दूध सफेद होता है हर मनुष्य के शरीर को चीर करके देखा जाए उसका खून लाल होता है। इसलिए जाति जा जा को लेकर के जो लोग झगड़ा करते हैं विवेक और विचार के नेत्रों को खोल करके नहीं देखते अंधा हुआ नहीं है जिसके दोनों नेत्र चले गए कोई जन्मांधो होता है गिनती भर के लोग अंधे होते लेकिन अंधा हुआ है जिसके विवेक और विचार रूपी नेत्र नहीं खुलते भीष्म ने से कहा था कहा यह दुर्योधन इतना अंधा मदांध हो गया है क्या आप इसको समझा नहीं पाते राजा होते हुए तो उन्होंने कहा तुम्हारे पुत्र होता तो जानते पुत्र मोह क्या होता ब्रह्मचारी चुप हो गए ब्रह्मचारी तो क्या उत्तर दे अंधों की सभा है द्रोपदी ने कहा था अंधे के अंधे ही होते हैं और जो भरी सभा में चीर खींची गई तो प्रार्थना करती है सब नीचा सिर किए हैं तब दुर्योधन ने कहा है ये सभा अंध निरी कई प्रकार सुझेरी चेरी आए चतुर पांच पद तेरे भे मिल अंध सभा मिल मेरे ये अंधों की सभा ही है अंधे के अंधे ही होते हैं और ये जो भीष्म और ये द्रोणाचार्य सब बैठे सब अंधे हो गए तेरे पांच पति आए थे वो भी अंधे हो गए थे कोई जुआड़ी अपनी स्त्री को दांव पर नहीं लगाता है उन्होंने इतने अंधे हो गए कि उन्होंने उसको भी दांव पर लगा दिया क्या हुआ महाभारत ऐसे महाभारत तो रोज होते अंध का अंधे विवेक विचार के नेत्र नहीं खुले झगड़ा क्यों हुआ महाभारत क्यों होता है घर घर महाभारत होता है विवेक और विचारों के विचार के नेत्र न खुले होने से संसार का झगड़ा कहां तक गिनाया जाए होता रहा है आज हो रहा है आगे होता रहेगा क्यों क्योंकि क्यों साक्षी व्यक्ति बनता नहीं है शांति के दूत आते, है, आते हैं पाशल आप पीस आते हैं शांति के, के मंत्र देते हैं लेकिन शांति क्यों नहीं हो रही संत महात्मा ज्ञानी महापुरुष इतना कहते हैं ये झगड़ा क्यों नहीं बंद हो रहा क्योंकि विवेक और विचार नहीं है इसीलिए कबीर साहब ने कहा संतो घर में झगड़ा भारी रात दिवस में उठ उठ लाड़े पांच लुटाए नाई तो संसार का झगड़ा केवल इतना ही नहीं जो हम बाहर देखते हैं यह अंदर में भी तो झगड़ा है अंतर दंद अंतर दंद को हमें मिटाना है अंतर दंद शांत हो जाए अंदर ज्ञान के नेत्र खुल जाए तो ये झगड़े सब समाप्त हो जाएंगे इसलिए अंदर के नेत्र को खोलने के लिए दृष्टा साक्षी बनने की आवश्यकता है यहां ध्यान में सत्संग में यही तो सिखाया जाता है साक्षी बनो साक्षी यानी दृष्टा जो जब हम दृष्टा बन जाते हैं तो जैसा अभी आप सुन रहे थे जब दृष्टा बन जाते हैं साक्षी बन जाते हैं तो हमारे जीवन में दुर्गुण नहीं रहते दोष नहीं रहते विकार नहीं रहते जग का नेह मोह काम क्रोध लोभ जितने विकार है वो सब दूर हो, हो जाते हैं जारो जक्का नेरा जैसा भी सुना आपने सब जल जाते हैं सब राख हो जाते हैं इसलिए दृष्टा और साक्षी बनने की आवश्यकता है उपद्रष्टा हनुमता च भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चापिको तो देह अस्मिन पुरुष पर इस देह में निवास करने वाला यही चेतन ये चेतन दृष्टा है साक्षी है ईश्वर है परमात्मा है ब्रह्म है प्रेरणा देने वाला है इसका बोध प्राप्त करना ही जीवन की सफलता तभी अंतर का द्वंद मिलेगा यह शरीर में मन और इंद्रियों का झगड़ा है ये तभी मिटेगा इसलिए साक्षी का क्या है साक्षी अपना स्वरूप है हम आत्म स्वरूप को समझे ये साक्षी ये चेतन जब तक इस शरीर में रहता है ये शरीर मंगलमय भाषता है इसके निकल जाने पर शरीर को लोग ले जाते हैं फूंक देते हैं जला देते हैं गाड़ देते हैं जिसकी विशेषता है उसका दर्शन नहीं करते उसके उसका साक्षी भाव हमारे में नहीं आता है इसलिए दुख, दुख है। इसलिए आत्मा जो इस शरीर में सार है साक्षी का साक्षी का सार क्या है साक्षी स्वयं उसको किसी साक्षी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं वो स्वयं प्रमाणित है जब तक वो शरीर में रहता है माता माता है पिता पिता है भाई भाई है बंधु बंधु है उसके निकल जाने पर पिता पिता नहीं रहते माता माता नहीं रहती वो राख हो जाता है मिट्टी हो जाता है जिसके रहते मनुष्य हंसता है बोलता है चिड़िया चहकती है बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है मयूर नृत्य करता है सिंह गर्जना करता है वो क्या है वह व्यक्ति की अपनी आत्मा वह व्यक्ति का अपना चेतन स्वरूप जब हम उसको समझेंगे विवेक और विचार के नेत्र खुलेंगे ज्ञान में सत्संग में चिंतन में तब हमारे जीवन का सारा झगड़ा मिट जाएगा अंतर मिट जाएगा और उसका जो समय है साक्षी बनने का उसको समझने का मन में देखने का वो ये सुंदर सुनहला अवसर है इस सुनहरे अवसर को हम न खोए इस सुनहले अवसर को पा करके हम साक्षी बने अंदर के झगड़ा को मिटाएं बाहर के द्वंद को मिटाएं बाहर के द्वंद को हम पूरा मिटा नहीं सकते संसार के झगड़े को अंतर द्वंध मिट जाए तो हमारे लिए संसार का झगड़ा समाप्त हो जाए इसीलिए पूज्य गुरुदेव जी ने भी कहा था परमार्थ में झगड़ा नहीं व्यवहार ही में झाल है व्यवहार शोषण मात्र का क्यों देश में व्यवहार है बोलिए सदगुरुदेव की जय बोलिए सदगुरु की जय तो संत जन गुरुजन हमें यही सिखाते आए हैं कि हम झगड़े को मिटाएं तो जैसा मैंने कहा कि गुरुदेव जी की, की सूक्त याद रखें परमार्थ में झगड़ा नहीं व्यवहार ही में झाल है व्यवहार क्षण मात्र का क्यों देश में बेहाल है परमार्थ में कोई झगड़ा नहीं है आप कह सकते हम लोग परमार्थ मार्गी हैं साधना के मार्ग में आए फिर भी झगड़े हो जाते हैं लेकिन सच्चे परमार्थ में झगड़ा नहीं है अगर झगड़ा है तो भी परमार्थ पूरा नहीं हुआ इसलिए परमार्थ का अर्थ है परम प्रयोजन आत्म कल्याण। जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं स्थित हो जाते हैं तो अंतर का द्वंद मिट जाता है और फिर बाहर झगड़े का कोई सवाल ही नहीं रह जाता हम सभी लोग यहाँ साक्षी बनने के लिए आए हैं झगड़ा मिटाने के लिए आए हैं झगड़ा करने के लिए नहीं आए इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि अंधा अंधे मत बनो, अंधा वह नहीं है मैंने पूर्व में कहा था कि अंधा वो नहीं जिसके दोनों नेत्र नहीं है एक अंधा दीपक लेकर के अपने दरवाजे पर बैठता था। गांव का गांव की गलियां होती हैं और उबड़ खाबड़ होती हैं। पानी बरसात में पानी भर जाता है तो दीप लेकर बैठता था किसी ने कहा कि ये तुम, ये तुम दीपक लेकर यहाँ क्यों बैठते हो तुमको दिखाई नहीं देता इसके प्रकाश में तुम क्या देखते हो तुमको इस दीपक जलाने से क्या फायदा उसने कहा इस अंधेरी गली में मैंने बहुत सी ठोकरें खाई लेकिन मैं चाहता हूं कि इस गली से निकलने वाले लोगों को कोई ठोकर न लगे इसलिए मैं दीप जलाता हूं तो उसके ज्ञान तो खुल गए लेकिन हम ऐसा कार्य करते जिससे दूसरों को ठोकर लगे तन से मन से वचन से तो अंधा वह नहीं है जिसकी आंखें फूट गई हैं। अंधा वह है जिसके विवेक और विचार के नेत्र फूट गए और वह नेत्र खुलेंगे ज्ञान ज्ञान है, ज्यान की समझ देख मनमाय, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना इस तत्व कोई सार कोई साखी के सार को, सार को समझ करके अपने जीवन को चरित्त करने में बोलिए सदुरदेव की जय अभी हमारे संस्थान के परम आदरणीय परम श्रद्धे संत श्री अशोक साहेब के द्वारा बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे वास्तव में दुनिया में जितने ही जितने भी ज्ञानी होते हैं वे दो बातों पर इशारा करते हैं संसार की क्षणभंगुरता और आत्मा की राम की दोनों की याद दिलाते हैं जब तक क्षणभुंगता की याद नहीं होगी तब तक दुनिया रमणीय लगेगी जब संसार असार लगेगा तब राम सार लगेगा आइए पूज्यवर साहब जी विराजमान हैं आपके सुनने के पूर्व एक भजन हम लोग श्रवण करें हमारे साथी संत श्री हीद्र जी से हम भजन श्रवण करें।, करें उसके बाद, बाद पूज्य साहब से, से हम सुने, सुने। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय परम पूज्य साहिब जी मुद में सन्त समाज धर्म प्रेम सज्जनों माता बहनों आप लोगों के समक्ष परमाराध्य सदगुरु अभिलाष साहेब जी रचित एक पद प्रस्तुत करता हूँ आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फके एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जात जंजीर एक बंधे जात जंजीर हो एक बंधे जात जंजीर दो दिन की फुलवारी जीवन मन भावरा मत भो दो दिन की फुलवारी जीवन मन भाँवरा मत भोल मनि भावराम भो मणि भावराम भो भावरा चटकी चांदनी छटा जवानी बालिक पानी रे चटकी चांदनी छटा जवानी बालिक पानी रे सुत नारि धन मान बड़ाई सुत नारी धन मान बड़ाई से मल को है पोल से मल को है पोल मन भाँव रामत भो दो दिन की फुलवारी जीवन दो दिन की फुलवारी जीवन मन भाँवरा मत भो मन भाँव रामत मत भो मन भाव राम मत भो यह जीवन का कौन भरोसा श्वास आए रे यह जीवन का कौन भरोसा श्वास न आ कुटुंब कबे लाले मसान में कुटुंब कबे लाल शमान में जारी करेंगे धोल जारी करेंगे धोल मन भावराम दो दिन की फुलवारी जीवन दो दिन की फुलवारी जीवन मन भाव मत भोल मन भाव राम भोल मन भाव राम भो सा में हाथ पछताना तेरे आए रे बीता मे हाथ पछताना ना तेरे रे अवसर मिला से ग्रत कर ले अवसर मिला से ग्रत कर ले भजन भक्ति सुख मोल भजन भक्ति सुख मौल मन भाव राम भोल दो दिन की पुलवारी जीवन दो दिन की पुलवारी जीवन मन भाव रामत भो मन भावरा मत भो मन भावरा मत भो यह शरीर सन सार सपन सा छिन एक मेला रे यह शरीर सन सारे सपन सा छिन एक मेला ला रे तू अभिलास विलास विषतज तू विषय विषतज निज स्वरूप में तो निज स्वरूप में तो मन भाम राम भो दो दिन की पुलवारी जीवन दो दिन की पुलवारी जीवन मन भाव मत भोल मन भाव राम मत मन भाव राम मत बोलिए सदगुरुदेव की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय